दिन माता गौरी घर में अकेली बैठी थी और उन्हें स्नान करने जाना था, मगर उन्हें भय था कि कोई अंदर ना आ जाए। तब उन्होंने अपने पुत्र गणेश को आवाज दी। गणेश, बेटा गणेश। आया माता, कहिए क्यों बुलाया? बेटा, मैं स्नान करने भीतर जा रही हूँ और ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि जब तक मैं बाहर ना आ जाऊं तब तक तुम किसी को भी भीतर मत आने देना। ठीक है माँ। ऐसे नहीं, वचन दो कि मेरी आज्ञा के बिना कोई भी भीतर नहीं आ पाएगा। माँ, मैं वचन देता हूँ। कुछ देर बाद वहाँ शिवजी और नंदी आए, मगर शिवजी को ये पता नहीं था कि गणेश उनका ही पुत्र है। शिवजी घर के भीतर जाने लगे कि गणेश तुरंत बोल पड़े, रुकिए, आप भीतर नहीं जा सकते। क्या कह रहे हो बालक, जानते नहीं मैं कौन हूँ? आप जो भी हो, मगर मेरी माता ने कहा है कि उनकी आज्ञा के बिना कोई भी भीतर ना जाए, और मैंने माता को वचन दिया है तो आप भीतर नहीं जा सकते। नन्हे बाल गणेश को इस तरह सामने खड़े हुए देखकर काफी नाराज हुए शिवजी और कहा, हट जाओ बालक, वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। आप कुछ भी कीजिए, मैं डरने वाला नहीं हूँ, मैं माता को वचन दे चुका हूँ। बालक को इस तरह हट करता देखकर शिवजी को बहुत क्रोध आ गया और उन्होंने अपने त्रिशूल को गणेश जी की ओर घुमाया। ये क्या, नन्हे गणेश का तो सिर धड़ से अलग हो गया और वो निर्जीव जमीन पर गिर पड़े। तब माता गौरी भीतर से बाहर आई और गणेश को जमीन पर इस तरह गिरा देखकर हैरान रह गई। बेटा गणेश, ये क्या हुआ तुम्हें, ये किसने किया? माता, ये शिवजी ने किया। माता गौरी शिवजी को हैरानी से देखने लगी। क्या कर दिया आपने, क्रोध में आपने अपने ही बेटे को मार डाला। मुझे मेरा गणेश वापस लाकर दीजिए, ये मेरा पुत्र है। मुझे माफ कर दो, जब गणेश मुझे भीतर आने नहीं दे रहा था तो मैं क्रोधित हो गया। मुझे नहीं पता, मुझे बस मेरा बेटा लाकर दो। शिवजी कुछ देर सोचने के बाद नंदी की ओर देखकर कहने लगे, नंदी, मैं गणेश को जीवित कर सकता हूँ, मगर इसके लिए तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। जो आप कहेंगे प्रभु, मैं वो जरूर करूँगा। जंगल की ओर जाओ और जो भी पहला जीवित प्राणी नजर आए उसका सर मेरे लिए लेकर आओ। शिव जी की आज्ञा पाकर नंदी तुरंत जंगल की ओर निकल पड़ा और जंगल में चलते चलते उसके सामने एक हाथी आ गया। जैसा कि उसने शिवजी से कहा था, उसने हाथी का सर काट कर अपने साथ ले लिया। मगर माता गौरी ने ये देखा तो कहा, हाथी का सर, इसे देखकर तो सभी मेरे पुत्र का मजाक उड़ाएंगे। तुम चिंता मत करो, हमारा बेटा बहुत नीडर है और आज मैं उसे वरदान देता हूँ कि आज से सभी इसे विघ्नहर्ता कहेंगे और कोई भी शुभ कार्य करने से पहले सभी को इसका नमन करना होगा। ठीक है, जैसा आप ठीक समझे। शिव जी ने अपनी शक्तियों से गणेश के शव पर हाथी का सर जोड़ दिया और उस दिन से हुआ हमारे विघ्नहर्ता श्री गणेश जी का जन्म। जादुई हीरा। एक गांव में भोला नाम का मजदूर रहता था। भोला अपनी जिंदगी से तंग आ चुका था। उसे लगता था कि वो किसी भी काम का नहीं है। एक दिन दुनिया से उदास भोला एक मंदिर में जाकर बैठा और वहां भगवान के आगे रोने लगा। हे भगवान, अगर मैं किसी भी काम का नहीं तो मुझे दुनिया में लाए ही क्यों? मेरा जीवन व्यर्थ है, मैं मरना चाहता हूँ, मुझे अपने पास बुला लो। भोला को इस तरह रोते हुए देखकर भगवान उसके सामने आ गए और उसके सर को सहलाने लगे। अचानक से भगवान को सामने देखकर भोला थोड़ा डर गया। डरो मत,
मैं सच में भगवान ही हूँ। तुम्हारी बात सुनकर मुझसे रहा नहीं गया। भोला, तुम्हारी जिंदगी कीमती है, तुम इस तरह से क्यों रो रहे हो? कीमती? किस काम की है मेरी जिंदगी? माँ ने कहा तुम ठीक से पैसे नहीं कमा सकते। बीवी ने कहा तुम बस सभी के लिए मुफ्त में काम करो। सेठ जी ने भी अब मुझे कहा कि तुम किसी काम के नहीं हो, तुम्हें कल से नौकरी पे आने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी की कोई कीमत नहीं है। ऐसा नहीं कहते, तुम सच में बहुत मूल्यवान हो। नहीं नहीं, आप भगवान हो, आपका क्या है? मैं तो इंसान हूँ। अगर आपको लगता है कि मेरी जिंदगी सच में कीमती है तो बताइए मेरी कीमत क्या है। भगवान ने भोला की बात सुनी और फिर उसके हाथ में एक लाल चमकदार पत्थर दे दिया। भोला, एक काम करो, ये पत्थर बाजार में लेकर जाओ और तुम्हें इस पत्थर की सही सही कीमत मालूम करनी है। अगर तुम मुझे इस पत्थर की सही कीमत बता दोगे तो मैं तुम्हें तुम्हारी सही कीमत भी बता दूंगा। मगर हाँ, संभल कर, इस पत्थर को बेचना नहीं है, सिर्फ इसकी कीमत पता करना। भोला वो पत्थर लेकर बाजार की ओर निकल पड़ा और बाजार में जाते ही उसे एक फल बेचता हुआ आदमी नजर आया। भाई, मुझे ये पत्थर बेचना है, इसकी तुम मुझे क्या कीमत दे सकते हो? भाई, ऐसे तो ये मेरे किसी काम का नहीं, मगर तुम सुबह सुबह आए हो तो मैं तुम्हें इसके 10 आम दे सकता हूँ, इससे ज्यादा कुछ नहीं। शुक्रिया। ऐसा कहकर भोला और आगे बढ़ गया। अपनी सोच में डूबा हुआ जब भोला रास्ते में चल रहा था, तब उसके सामने एक सब्जी का ठेला आ गया। भाई, मुझे ये पत्थर बेचना है, इसकी तुम मुझे क्या कीमत दे सकते हो? ये पत्थर मेरे किसी काम का नहीं है, मगर इसे मैं अपनी पत्नी को दे दूंगा। तुम्हें मैं इसके बदले 1 बोरी आलू दे सकता हूँ, इससे ज्यादा कुछ नहीं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फल वाले की तरह भोला ने सब्जी वाले को भी पत्थर बेचने से मना कर दिया और आगे बढ़ गया। तब उसकी नजर एक सुनार की दुकान पर पड़ी। भोला ने सोचा चलो देखते हैं कि सुनार इस पत्थर की क्या कीमत लगाता है। तो भोला सुनार की दुकान पर गया और उससे कहा कि इस लाल पत्थर का क्या नाम है। लाल पत्थर को अपने हाथ में पकड़कर सुनार के चेहरे के तो हाव भाव ही बदल गए और उसने भोला को आदर के साथ अपनी दुकान में बिठाया। भोला भैया, ये पत्थर तुम मुझे बेचो, मैं तुम्हें इसके 1 करोड़ दूंगा। 1 करोड़? सुनते ही भोला के तो होश उड़ गए और उसने सुनार के हाथ जोड़ कर कहा, शुक्रिया, मगर मैं इसे नहीं बेचना चाहता। रुको रुको भैया, कहाँ जा रहे हो? ऐसा करो 2 करोड़ ले लो और ये पत्थर मुझे दे दो। नहीं नहीं, मैं ये बेच नहीं सकता, ये किसी की अमानत है, मुझे बस इसकी कीमत जाननी थी। क्या मतलब बेचना नहीं है? अगर बेचना नहीं है तो क्यों मेरा वक्त यूं ही बर्बाद कर रहे हो? जाओ यहाँ से। भोला सोच में पड़ गया। सुनार की दुकान से बाहर निकलते ही वो एक आदमी से टकरा गया। तब भोला के हाथ से वो लाल चमकता हुआ पत्थर गिर गया और जैसे ही उस आदमी की नजर उस लाल चमकदार पत्थर पर पड़ी, उसके चेहरे का तो रंग ही उड़ गया। उनका चेहरा देखते ही भोला उनसे पूछता है, मैं इस पत्थर को बेचूंगा तो क्या आप इसे खरीदेंगे? भाई, मैं मनीलाल हूँ, इस शहर का सबसे बड़ा हीरो का व्यापारी, मगर आपके हाथ में जो ये लाल पत्थर है वो इतना कीमती है कि मैं तो क्या, इस देश का कोई भी व्यापारी आपको इसकी सही कीमत नहीं दे सकेगा। बेहतर यही होगा कि आप खुद इसको संभाल कर रखें। भोला ने जब मनीलाल की बात सुनी
तो उसे भगवान की बात समझ में आ गई और वो समझ गया कि सही इंसान को ही सही इंसान की पहचान होती है और हमें अपना मूल्य दूसरों से नहीं बल्कि खुद की काबिलियत से करना चाहिए। भोला दौड़कर मंदिर की ओर चल दिया और भगवान के पैरों में गिर पड़ा। भगवान, मैं समझ गया, अब मैं भी एक ऐसा जौहरी बनूंगा जिसे अपनी जिंदगी की सही कीमत का अंदाजा हो। बिल्कुल सही भोला, तुम उन लोगों के लिए अनमोल हो जिन्हें तुम्हारी कीमत का अंदाजा है और तुम्हें ऐसे ही लोगों के साथ रहना चाहिए। जादुई चक्की। एक गांव में रामू और श्यामू नाम के दो भाई रहते थे। दोनों थे तो सगे भाई, मगर दोनों की आर्थिक स्थिति बिल्कुल अलग थी। रामू एक बड़े कारखाने का मालिक था, वहीं श्यामू के लिए दो वक्त का खाना भी लाना मुश्किल था। एक दिन रामू अपने पैसे गिनकर आराम करने घर गया, वहीं श्यामू बाजार से खाली हाथ भूखा प्यासा घर लौटा। श्यामू को भूखा देखकर उसकी पत्नी ने कहा, तुम जाकर अपने भाई से कुछ पैसे उधार क्यों नहीं ले लेते। अपनी पत्नी राधा की बात सुनकर श्यामू ने कहा, ठीक है, मैं जाकर रामू भैया से पैसे लेता हूँ और कुछ खाने को लाता हूँ। पैसों की उम्मीद में श्यामू अपने भाई रामू के घर गया, मगर रामू और उसकी पत्नी ने उसे बहुत भला बुरा कहा और हथ भिखारी कहकर वहाँ से भगा दिया। श्यामू उदास मन से घर लौट रहा था कि रास्ते में उसे एक प्यासी बुढ़िया मिली। बुढ़ी अम्मा प्यास के मारे रो रही थी। श्यामू से इस अम्मा की ये हालत देखी नहीं गई और वो उसे अपने घर ले आया। घर जाकर उसने पहले अपनी पत्नी से कहा, अम्मा को बहुत प्यास लगी है, अम्मा को पानी पिलाओ फिर थोड़ी देर आराम करवाओ। घर पे मटके में जो भी पानी था वो राधा ने बूढ़ी अम्मा को पिला दिया और खुद श्यामू के साथ प्यासी बैठी रही। थोड़ी देर आराम करके जब वो बूढ़ी औरत उठी तब उसने देखा कि घर पर कुछ भी नहीं है। अम्मा ने श्यामू से पूछा, तुम सच में इतने गरीब हो बेटा। तब श्यामू ने कहा, हाँ अम्मा, मेरा सारा पैसा मेरा भाई ले गया और अब मैं लकड़ियाँ बेच कर अपना गुजारा करने की कोशिश करता हूँ, मगर कई बार मुझे और मेरी पत्नी को भूखा ही रहना पड़ता है। बूढ़ी अम्मा ने जब ये बात सुनी तो उन्हें बहुत बुरा लगा और उन्होंने अपनी गठरी में से एक चक्की निकाल कर श्यामू को दे दी। अम्मा ने कहा, बेटा तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, फिर भी तुमने मेरी मदद की। तुम जैसे अच्छे और सच्चे इंसान का भला होगा, ये लो चक्की। श्यामू ने चक्की की ओर देखा और हताश होकर कहा, अम्मा हमारे पास तो पीसने को अनाज ही नहीं, इस चक्की का हमारे यहाँ क्या काम। तब अम्मा मुस्कुराते हुए बोली, ये एक जादुई चक्की है, जब भी तुम इस चक्की से खाना मांगोगे ये तुम्हें दे देगी, मगर जब तुम्हें इस चक्की को रोकना है तब इसे एक सुनहरे कपड़े से ढक देना। अम्मा की बात पर श्यामू और राधा को यकीन नहीं हुआ, लेकिन रात को भूखी अवस्था में दोनों ने एक दूसरे को देखा और सोचा, कोशिश करने में क्या जाता है। दोनों ने चक्की से चावल मांगे और तुरंत चावल सामने आ गए। दोनों ने पेट भर खाना खाया और बाकी गरीबों में भी बांट दिया। फिर दूसरे दिन दोनों ने चक्की से शक्कर और गुड़ मांगा और श्यामू ने इसे बाजार में जाकर बेचा। श्यामू रोज चक्की से कुछ ना कुछ मांग कर बेचता था और राधा खुद के लिए और अपने गरीब पड़ोसियों के लिए खाना मांगती। धीरे धीरे दोनों के हालात सुधर गए, लेकिन ये बात रामू के कानों तक पड़ी और वो अपने भाई की सफलता के राज जानने के लिए उसके पीछे गया। तब उसने देखा
कि उसके भाई के पास एक जादू की चक्की है। रामू के तो मन में लोभ आ गया और उसने रात में ये जादू की चक्की चुरा ली। घर जाकर उसने सोचा कि क्यों ना मैं भी अपने भाई की तरह शक्कर मांगू। रामू ने जैसे ही चक्की से शक्कर मांगी, चक्की से शक्कर निकलने लगी। कुछ देर बाद वहाँ शक्कर का टीला बन गया जो देखते ही देखते बढ़ता गया। रामू ने फिर चक्की को रोकने की बहुत कोशिश की, मगर चक्की तो लगातार चीनी का टीला और भी बड़ा बनाती जा रही थी। देखते ही देखते चीनी के ढेर में रामू फंस गया और चींटियां और मकोड़े उसे काटने लगे। सभी दरवाजे बंद होने के कारण कोई भी उसकी मदद की पुकार सुन नहीं पा रहा था और आखिर वो चीनी के टीले में दबकर मर गया। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमेशा जरूरतमंद की मदद करनी चाहिए और लालच से हमेशा दूर रहना चाहिए।